इसराइल एयर फोर्सेस के पायलट ने खुदकुशी की और आखिर में उन्होंने क्या कहा दुनिया वालों को मालूम होना चाहिए। उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, क्यों खुदकुशी करने पे वो मजबूर हो गया। जो सक्सेस उसे दुनियावी लिहाज से अचीव करनी थी वो उसने तो की, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मुल्क वापस आकर अपने परिवार में इस जवान ने खुदकुशी की और कुछ आखिरी अल्फाज छोड़ गया। वो दुनिया वालों को पता होना चाहिए और उसकी माँ के अल्फाज क्या थे वो भी दुनिया वालों को पता होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो हम बमबारी करते थे से जो सिचुएशन जो हालात हमने देखे वो दुनिया वाले कभी समझ नहीं सके। नहाते मुसलमानों पे जुल्म करने वालों, तुम जुल्म करके जिंदा रहोगे लेकिन तुम्हारा एक एक पल तुम्हारे लिए कयामत होगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब होगा तुम्हारे जीने के लिए। इसका नाम असाफ दगन है। उन्होंने अपने आप को मारा और अपनी वालदा के नाम एक हाथ छोड़ा। उन्होंने कहा कि हजारों फलस्तीनियों पे बमबारी करने के बाद मैं ये पोस्ट लिख रहा हूँ और मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। उन्होंने कहा कि एक एक सेकेंड जो है मेरे लिए सबसे बड़ी तंगी से गुजर रहे हैं। उनके अल्फाज थे कि आज आंसू बह रहे हैं, अल्फाज उलझे हुए हैं, दर्द से लिख रहा। उन्होंने कहा कि दौलत है, जवानी है, सपोर्ट है, हुकूमत है, नशा है, सब कुछ है, लेकिन एक ऐसा दर्द कुछ महसूस हो रहा है जो दुनिया वाले नहीं जान सकते। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है मैं क्या करने जा रहा हूं, और उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किस काम को एक्सेप्ट करूं, यहां कौन सा जुर्म मैं मानूं। यानी ये उस एयर फोर्सेस पायलट के आखिरी अल्फाज हैं। जुल्म करने वालों, सुकून कैसे मिलेगा, तुमने नहाते बच्चों को मारा है, तुमने बुजुर्गों को मारा है, तुमने मां के पेट में बच्चों को मारा है, नहीं मिलेगा सुकून, सुकून नहीं मिलेगा। और इस एक पायलट ने खुदकुशी नहीं की, इसराइल के हजार से ज्यादा ऐसे हैं जो खुदकुशी कर चुके हैं या खुदकुशी करने पे तैयार हैं, बीबीसी की रिपोर्ट बता रहा। उन्होंने कहा कि मेरी माँ आप मेरे दिल की चट्टान है, बहुत कुछ है जो मैं बताना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मेरी हीरोइन मेरी माँ है, मेरी सबसे, मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी माँ है। उन्होंने कहा कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज मुझे खुदकुशी करके सुकून मिलेगा और आपको भी इसके बाद सुकून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आखिरी यही रास्ता है कि जुल्म जो है कभी सुकून नहीं देता है और जुल्म की इंतहा है, जुल्म मिट कर रहता है। पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाएं। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।